गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स। आज अपन पढ़ेंगे मैथ्स। मैथ्स में आपको चैप्टर फाइव पढ़ा रहे थे, एलजेब्रा। आज अपन इसकी एक्सरसाइज 5.3 करेंगे, लेकिन उससे पहले अपन कुछ मेथड सीख लेते हैं। तो आप एलजेब्रा में आपको बताया था, इसमें कुछ इक्वेशन होती है। जैसे इक्वेशन आपको मैंने दिए 2x + 4 = 0। तो इसमें एक वेरिएबल है एक्स और कॉन्स्टेंट क्या है 4। तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की क्या वैल्यू रखें कि इस इक्वेशन ये 0 के बराबर हो। x में ऐसा मैं क्या वैल्यू पुट करूं कि LHS इक्वल्स टू RHS हो। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको दो मेथड सिखाएंगे। फर्स्ट मेथड है ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड जिससे आपको इक्वेशन दे रखी 2x + 4 = 0। तो इसमें अपन क्या करेंगे, अपन x की सारी वैल्यूज पुट आउट करेंगे। जैसे पहले मैंने x = 0 से स्टार्ट किया। x बराबर मैंने 0 रखा इस इक्वेशन में। ये अपनी इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है। इस इक्वेशन में मैंने x = 0 रखा, रख दीजिए। x की जगह क्या रखा, 0 + 4। इस ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई इक्वल्स टू जीरो। तो देखिए 2 × 0 0 + 4 ≠ 0। तो कहेंगे LHS ≠ RHS। तो ये तो x की वैल्यू नहीं है। अब x = 1 रख के देखा, 2 x की जगह क्या रखना है 1 + 4 = 0 आपको लाना है 2 + 4। 2 + 4 क्या होता है 6। ये भी क्या है, ≠ 0। तो LHS ≠ RHS। तो ये भी x की वैल्यू नहीं है। अब मैंने x की वैल्यू -2 रखी, ठीक है। 2 - 2 + 4 = 0। 2 × -2 कितना होगा, -4 होगा +4। देखिए -4 + 4 हो गया 0। तो अपन कह सकते हैं 0 0 LHS जो है RHS के इक्वल है। तो -2 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में आपको क्वेश्चन दे रखा है 2x = 4। 2x = 4। अब आपको x की वैल्यू पुट करनी है। पहले अपन ने x = 0 लिया, ठीक है। रख दीजिए x की जगह 0। 0 ≠ क्या है 4। LHS ≠ RHS। फिर x = अपन ने 1 रख के देखा, 2 x की जगह क्या रखना है 1 रखना है 4। ये आपको लाना है 2। ये भी क्या है 4 के नॉट इक्वल है। इसमें भी LHS RHS की इक्वल नहीं है। फिर x = अपन ने 2 रख के देखा, 2 × 2 = 4। देखिए 4 = 4। LHS RHS की इक्वल है, LHS = RHS। Hence, x = 2 is solution of given equation. तो ये था ट्रायल एंड एरर मेथड। ये मेथड देखिए इतना यूजफुल नहीं है। अगर आपके पास कोई बड़ी सी इक्वेशन हो, जैसे मैंने x - 2 = 48 आपको इक्वेशन दे दी, तो ये अब मैं x की वैल्यू क्या रखूँ, 50 रखूँ, तो आप कब तक ट्राई करोगे। पहले x बराबर आपको 1 रखना पड़ेगा, फिर 2 रखोगे, फिर 3, फिर 4, ऐसे आप कब तक जो है 50 तक आओगे। तो ये मेथड इतना यूजफुल नहीं है। अपन दूसरा मेथड देखेंगे। अब सेकेंड मेथड है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय
ट्रांसपोर्टेशन मेथड। अब जो अपन ने दूसरा मेथड यूज किया, मेथड टू है इस मेथड को कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन मेथड। इस मेथड में क्या होगा, जैसे इसमें आपको इक्वेशन दे रखी है y प्लस थ्री इज इक्वल्स टू, ये इक्वेशन दे दी, ठीक है। तो इसमें आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए ये अलग कास्ट का है, ये अलग कास्ट का, ये दोनों एक जैसे नहीं है, अनलाइक टर्म्स है। अपन को y की वैल्यू फाइंड आउट करनी, y को अपन ने एक जगह पे रख दिया, ठीक है। अब इस थ्री को मैंने इधर भेज दिया, तो इधर ये थ्री प्लस का था, इधर जाते ही माइनस हो गया। तो अब देखिए प्लस थ्री की जगह क्या लिखेंगे अपन, माइनस थ्री। तो y इज इक्वल्स टू 11 माइनस थ्री कितना होता है 8। तो इधर y की वैल्यू क्या आ गई 8। दूसरी इक्वेशन देखिए 3y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 9, ये आपको इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। ये अलग है, ये दोनों एक जैसे है, तो जो एक जैसे है उसे एक साइड में रखिए और जो अलग है उसे दूसरी साइड में रखिए। 3y इज इक्वल्स टू 9 तो इधर ही था, इस 6 को अपन ने इधर भेजा। तो जैसे भी कोई भी चीज़ इधर से इधर जाएगी तो उसका साइन चेंज होगा। अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये प्लस हो जाता, ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। 9 माइनस 6 क्या होगा 3, ठीक है। अब आपको 3y की वैल्यू दे रखी है, 3y इज इक्वल्स टू 3। अब y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, y को आप इधर फिक्स कीजिए। अब ये 3 ना नीचे चला जाएगा, y इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 3, मतलब y की वैल्यू क्या आई 1। देखिए इधर मल्टीप्लाई में था 3y, 3 इंटू y था, तो ये 3 नीचे जाएगा तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में चेंज हो जाएगा, बस साइन अपोजिट हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। चलिए एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 5x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 30 बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। तो आपको इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, कौन सा मेथड यूज करना है, मेथड फर्स्ट ट्रायल एंड एरर मेथड। इसका क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, इक्वेशन क्या है 5x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 30। तो देखिए सबसे पहले x इज इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 0 तो मैंने आपको ऐसे ही बताया था, क्योंकि x की वैल्यू 0 तो हो नहीं सकती, लेकिन कुछ ऐसी इक्वेशंस होती है जिनका सॉल्यूशन x इज इक्वल्स टू 0 के अदर देन कोई सॉल्यूशन ही नहीं होता, तभी अपन 0 कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अपन x इज इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 1 रखा, 5 1 प्लस 10, 5 मल्टीप्लाई 1, 5 प्लस 10 कितना हुआ 15, नॉट इक्वल्स टू 30, सिंस LHS नॉट इक्वल्स टू RHS। तो ये तो सॉल्यूशन नहीं है, 1 x की वैल्यू 1 तो नहीं होगी, ये पता चल गया। x इज इक्वल्स टू 2 रखिए, 5 2 प्लस 10, 5 2 सा 10, 10 प्लस 10 होता है 20, नॉट इक्वल्स टू 30। तो इसमें भी LHS नॉट इक्वल्स टू, ये भी सॉल्यूशन नहीं है। अब x इज इक्वल्स टू 3 रखा, 5 3 प्लस 10, 5 3 जा 15 प्लस 10, ये आया 25, ये भी 30 की इक्वल नहीं है। यहाँ पे भी LHS नॉट इक्वल्स टू RHS। अब अपन x इज इक्वल्स टू 4 रखा, 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 10, 5 4 जा 20 प्लस 10, ये होता है 30 इज इक्वल्स टू 30, RHS में भी 30 है, हेंस LHS इक्वल्स टू RHS। सो y बराबर इज इक्वल्स टू 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन।
अब अपन क्वेश्चन फर्स्ट करा दिया, सेकंड इसके जैसा ही है, थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन थर्ड सॉल्व, इसका ए x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 12। यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टेशन मेथड यूज लेना है। ये देखिए, ये जो है वेरिएबल है, 5 कांस्टेंट है, 12 भी कांस्टेंट है, ये दोनों लाइक टर्म्स है, एक जैसी है, तो आप इन्हें एक साइड में रख लीजिए। x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 5 प्लस का है, यहाँ राइट साइड में जाने के बाद माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 5। x इज इक्वल्स टू 12 माइनस 5 होता है 7, तो x की वैल्यू क्या आई, 7। इसका भी देखते हैं, y माइनस 2 इज इक्वल्स 10। यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y को इधर रख दीजिए। यहाँ पे देखिए 2 माइनस का था, इधर जाने के बाद प्लस का हो जाएगा, 10 प्लस 2 y इज इक्वल्स टू 12, तो यहाँ पे y की वैल्यू आएगी 12। क्वेश्चन सी देख लेते हैं, 7p इज इक्वल्स टू 210। यहाँ पे आपको 7p की वैल्यू दे रखी है, लेकिन आपको तो 1p की वैल्यू निकालनी है, p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो यहाँ पे देखिए 7 मल्टीप्लाई में 7 इंटू पी इज इक्वल्स टू 210 है, अपन को p की वैल्यू फाइंड आउट करनी, p तो p को उधर फिक्स कर दीजिए, इसको इधर रख दीजिए और 7 को नीचे भेज दीजिए, इधर मल्टीप्लाई में है तो नीचे जाने के बाद ये डिवाइड का हो जाएगा 7। तो इसको डिवाइड करेंगे, 3 जा 21, तो यहाँ पे p की वैल्यू क्या आई, 30। सी मैंने करा दिया, d इसके जैसा है। अब f देख लेते हैं, 2x माइनस 10 इज इक्वल्स टू माइनस 12। 2x को इधर रख दीजिए, इस 10 को उधर भेज दीजिए, 10 यहाँ माइनस का है, यहाँ वहाँ जाने के बाद प्लस का हो जाएगा, अभी क्या हो जाएगा, माइनस 12 प्लस 10। 2x इज इक्वल्स टू माइनस प्लस, होता तो माइनस है, तो 12 माइनस 10 कितना होगा, 2, लेकिन साइन किसका रहेगा, तो आपको पता होगा बड़ी डिजिट कौन सी है, 12 के साथ जो नेगेटिव साइन जुड़ा हुआ है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। आपको 2x की वैल्यू गिवन है, अपन को तो x की निकालनी है, x इज इक्वल्स टू 2 नीचे चला जाएगा, माइनस 2 अपॉन 2, तो x की वैल्यू क्या आई, माइनस 1, क्योंकि ये माइनस का था ये प्लस का था, तो x की वैल्यू आएगी माइनस 1। क्वेश्चन फोर्थ है, सॉल्व एंड वेरीफाई द रिजल्ट। पहले आपको सॉल्व करना है, फिर आपको जो आंसर आया उसको वेरीफाई करके बताना है कि हाँ इस वैल्यू पे जो है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्वेश्चन फोर्थ, सॉल्व एंड वेरीफाई द रिजल्ट। इसका ए एक्स प्लस 8 इज इक्वल्स टू 12। यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी, एक्स को इधर रखिए, 12 को उधर भेज देते हैं, इधर प्लस का था, उधर जाने के बाद माइनस का हो जाएगा, 12 माइनस 8, एक्स की वैल्यू आई 4। तो अपन ने एक्स की वैल्यू 4 निकाली। अब x इज इक्वल टू 4 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं, इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, तो इधर x की वैल्यू लिख दीजिए, 4 प्लस 8 12 इज इक्वल्स टू, ये भी 12 इज इक्वल्स टू है, गलती नॉट इक्वल्स टू हो गया, 12 इज इक्वल्स टू 12, LHS इक्वल्स टू RHS, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। ये अपन ने क्या कर दिया, वेरीफिकेशन, वेरीफिकेशन। सेकेंड देखते हैं इसका, 4y, सी देखते हैं इसका,
फोर वाई इज इक्वल्स टू माइनस 12। वाई की आपको फोर वाई की वैल्यू गिवन है, वाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। वाई इज इक्वल्स टू माइनस 12 अपॉन 4। तो डिवाइड तो पता ही है, थ्री टाइम्स होगा माइनस 3 क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, तो वाई की वैल्यू माइनस 3 आई। अब अपन को वेरीफाई करना है, वेरीफिकेशन रख दीजिए वाई की वैल्यू यहाँ पे, वाई माइनस 3 क्या आया, माइनस 12 इज इक्वल्स टू माइनस 12, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहले आपको ऐसे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर उसे वेरीफाई करना है। फोर्थ करवा दिया मैंने आपको, अब फिफ्थ देखिए, फिफ्थ भी यही है, सॉल्व एंड वेरीफाई, सॉल्व एंड वेरीफाई। इसमें आपको टू क्वेश्चन दे रखे ए बी, मैं आपको बी करवाती हूँ, ये आपका होमवर्क है। टू एक्स माइनस 2 माइनस 3 एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5x माइनस 5। तो आपको पता है ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो देखिए 2 ब्रैकेट x माइनस 2 है, मतलब 2 को x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना है, कर दीजिए 2 मल्टीप्लाई एक्स 2x, अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 4। बीच में देखिए माइनस का साइन था इसलिए अपन ने माइनस लगाया, यहाँ पे x प्लस 2 होता तो यहाँ पे 2x प्लस 4 करते अपन। माइनस 3 मल्टीप्लाई एक्स क्या होगा 3x। अब देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो 3 3 9, लेकिन साइन किसका रहेगा प्लस का, इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई एक्स 5x, बीच में नेगेटिव साइन है लगा दीजिए, 5 5 20 5। अब देखिए ये मैं लाइन खींच, ये तीनों एक जैसी है तो इसे एक जगह पे कर देते हैं, 2x माइनस 3x, ये 5x इधर इस जगह पे है तो इधर आएगा तो इसका क्या नेचर चेंज हो जाएगा, ये पॉजिटिव है इधर आने के बाद नेगेटिव हो जाएगा, प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया, इज इक्वल्स टू। अब ये एक जैसे है तो इसको इधर भेजना है, यहाँ पे माइनस का इधर जाने के बाद प्लस का हो जाएगा, ये यहाँ पे प्लस का उधर जाने के बाद माइनस का हो जाएगा, ये तो इधर ही है इसे इधर ही रखिए, ठीक है। अब 2x देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 5 प्लस 5x प्लस 3x क्या हो जाएगा 8x, लेकिन साइन किसका रहेगा माइनस का क्योंकि दोनों माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 8x, यहाँ पे 4, यहाँ पे भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 माइनस 25 प्लस 9 क्या होगा 34। 2x माइनस 8x क्या होगा, देखिए ये प्लस है ये माइनस है, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस माइनस होगा माइनस, तो 8 में से 2 माइनस कर देते हैं 6x होगा, लेकिन साइन किसका रहेगा, बड़ी डिजिट क्या है 8 नेगेटिव की है तो यहाँ पे भी इसके साथ नेगेटिव साइन जुड़ेगा, इज इक्वल्स टू यहाँ पे भी 4 प्लस का है 34 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस 34 माइनस 4 कितना होता है 30, लेकिन साइन किसका रखे, बड़ी डिजिट देखिए 34 है 35, 4 के साथ क्या साइन जुड़ा है नेगेटिव, ये भी नेगेटिव होगा। अब देखिए इधर भी नेगेटिव है इधर भी नेगेटिव है, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, तो अब क्या बना 6x इज इक्वल्स टू 30। आपको 6x की वैल्यू गिवन है, आपको 1x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई में इधर भेज दीजिए 6 को, 30 डिवाइडेड बाय 6, x की वैल्यू क्या आई 5, ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 5 आएगी। अब इसको वेरीफाई करना है, वेरीफिकेशन, तो अब आपको क्या करना है, x की जगह 5 रखना है, 2 5 माइनस 2 माइनस 3 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5 5 माइनस 5, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस 2 कितना होता है 3, माइनस 3 इंटू 5 माइनस 3 2 इज इक्वल्स टू 5 माइनस 5 0, ठीक है, 5 इंटू 0
थ्री टू जा सिक्स माइनस सिक्स इज इक्वल्स टू फाइव मल्टीप्लाई जीरो, जीरो इज इक्वल्स टू जीरो, एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस, ये हो गया प्रूफ। अब क्वेश्चन सिक्स देखिए, इसमें आपको दे रखा है सॉल्व y अपॉन फोर माइनस वन अपॉन टू इज इक्वल्स टू वाई बाय थ्री प्लस वन। यहां पे आपको सॉल्व ही करना है, वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। तो ये देखिए ये एक जैसी है, इसे एक जगह पे ले आइए, y अपॉन फोर इधर प्लस का इधर जाने के बाद माइनस का हो जाएगा y अपॉन थ्री इज इक्वल्स टू वन, ये माइनस का इधर जाने के बाद प्लस हो जाएगा वन अपॉन टू। अब आपको फ्रैक्शंस का ऐड करना तो आता ही होगा, अनलाइक टर्म्स है, देखिए ये वन अपॉइंट टू है ये वन है, तो इसका ऐड कैसे करते हैं, इन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे, इसका भी थ्री और फोर का एलसीएम होता है ट्वेल्व, ठीक है। अब ट्वेल्व को फोर से डिवाइड करेंगे थ्री थ्री वाई, या फिर अगर ऐसे समझ में ना आए तो देखिए फोर थ्री जा ट्वेल्व, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, थ्री इंटू वाई थ्री वाई, फोर इंटू वाई माइनस फोर वाई इज इक्वल्स टू इधर भी वन इंटू टू टू, टू प्लस वन मल्टीप्लाई वन, थ्री वाई माइनस फोर वाई क्या होगा माइनस वाई अपॉन ट्वेल्व इज इक्वल्स टू टू प्लस वन इज इक्वल्स टू थ्री अपॉन टू। अब आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, देखिए इस टू को इधर भेज दीजिए, ट्वेल्व को इधर भेज दीजिए, तो माइनस वाई इंटू टू इज इक्वल्स टू ट्वेल्व इंटू थ्री, और आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी, माइनस y को इधर रहने दीजिए, इस 2 को उधर भेज दीजिए, 12 इंटू थ्री अपॉन टू। तो सॉल्व कीजिए वन टाइम सिक्स, सिक्स थ्री जा एटीन, माइनस y इज इक्वल्स टू एटीन, तो y की वैल्यू इस माइनस को उधर भेज देते हैं तो क्या आ जाएगा माइनस एटीन, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आई माइनस एटीन। तो आपकी एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट होती है, एक्सरसाइज 5.4 अपन नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।